हाई प्राथवास 75-45 का स्तर यहाँ पे इसने छू दिया है, और याद रखिएगा पूरा ये स्पेस अच्छा करता हुआ। अंबुजा की कैंडल काफ़ी अच्छी खासी हुई है। अंबुजा की कैंडल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये टिपिकली ये कहती है कि लोअर लेवल से प्राइस टिका नहीं। आपके स्क्रीन पे देखिए कैंडल, लोअर शेडो वाइल्ड होना, लोअर शेडो के अंदर ही यानी ओपनिंग और आज के लो के बीच में लास्ट दो कैंडल्स आती हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रांग संकेत है कि प्राइस नीचे नहीं टिका। और एक और चीज़ याद रखिएगा, रीड करिएगा, समझिएगा कि आज इसकी कैंडल के अंदर, लोअर शेडो के अंदर यानी ओपन और लो के अंदर, इसके दो बड़े एवरेजेस हैं, 50 और 100। तो शैल जी बड़ा अच्छा ग्राफ देखें यहाँ पे, सीमेंट में मूव है आपकी स्क्रीन पे। माना साहब का टेक अंबुजा पे? देखिए, जितने भी सीमेंट काउंटर्स है वो चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, और अंबुजा भी 2 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि स्टॉक इंतजार कर रहा है केवल एक हर्डल को क्रॉस करने का, जो कि 388 के आसपास, 390 के आसपास है। और वीरेंद्र जी, अगर वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो सीधे आपको फिर तो बीच में कोई हर्डल नहीं है, सीधे 410 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो बेहतर तो ये रहेगा कि यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे एक ट्रेड लीजिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 379 के नीचे रहेंगे, और फिर टारगेट आप 410 तक के भी सेट करके चल सकते हैं। अगर एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। 380 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से उसके जो भाव है वो चल रहे हैं, अंबुजा सीमेंट 14 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 380 का कॉल ऑप्शन, यहाँ पर खरीदारी करिए, 10 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। चलिए, ये आपके सामने राय।